गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 25 अप्रैल और सुबह सुबह जैसे हमारा था प्लान कि हम जाएंगे आकाश को करने के लिए पिक फ्रॉम द वास्को स्टेशन, बट सुबह सुबह इतनी तेज आंधी तूफान बारिश थी, बिजलियां कड़क रही थी सुबह 4 बजे, वो 5 बजे पहुंचने वाला था, तो बात मतलब हुई हमारी, तो ही सेड कि मैं खुद ही मिला जाऊंगा, तुम फिर क्या आएगा ऐसे में। तो फिर हम लोग होटल में ही थे, नाश्ता वगैरह कर लिया और हमारा जो होटल है ब्लूम रूम्स, आकाश ने वहाँ बुक कर लिया और मैं हूँ ब्लूम होटल्स में। थोड़ा एक कन्फ्यूज़न मतलब हो गया, प्लान वैसे एक में ही था करने का, बट ड्यू टू सेम नेम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं उसको करने के लिए पिक, वो है कैंडोलिम में और हम हैं कलंगूट में। तो बस अभी जा रहे हैं उसको पिक करेंगे, उसके बाद आज हम थोड़ा लोकल साइट सीन करेंगे, दीवार आइलैंड भी जाएंगे जहाँ तक है और गुआडा फोर्ट या और भी चीज़ें देख लेते हैं लोकल, क्योंकि आकाश का ये पहली बार है शायद, तो उसको भी थोड़ा सा घुमाएंगे साथ में। एंड वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो रास्ते देखिए कितने सुंदर हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हैं बट एकदम क्यूट से। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, अभी मिलेंगे एंड हमारे साथ मतलब आकाश के साथ उनकी वाइफ भी है, हमारी भाभी जी, जिनसे पहली बार मिलेंगे आज। चलिए आगे देखते हैं। और नहीं नहीं वो सब मत देखो, छपोरा फोर्ट हिमाचल में तो लंबा घूमाया। कब? स्पीति। हाँ स्पीति के टाइम पे हम लोग गए थे, कितना दिन हुआ था? 17-18 दिन घूमा लगा। नहीं नहीं पागल लग गया। ये है आकाश बैद, हमारे बचपन के मित्र और को एक्सीडेंटली हम लोग मिले हैं यहाँ पे। हाँ चलो उधर ही बैठेंगे, यहाँ पे क्या होता है ना अभी जैसे लोग हैं। इसे चपोरा फोर्ट जहाँ पे दिल चाहता है कि हुई थी शूटिंग। सच अ सीरीन प्लेस। क्या अभी और एक दो जगह ऐसे ही जाएंगे भाई लेके। लिस्ट तेरा अपना पहले मुझे दे क्या क्या है। अरे कॉमन कॉमन फिर करेंगे। अच्छा एक्सपीरियंस। नवेलिम जगह है, यहाँ पे हम लंच करने के लिए उतरे हैं। भूख लग रही है क्योंकि यहाँ से 1 घंटे और है हमारा डेस्टिनेशन, जो कि है बटरफ्लाई बीच लगाया हमने, तो वो अभी है यहाँ से 35 किलोमीटर साउथ। तो एक बार यहाँ थोड़ा सा खा लें उसके बाद फिर निकलते हैं, गर्मी काफ़ी है बट एज़ कम्पेयर टू दैट नॉर्थ गोवा साउथ गोवा में ह्यूमिडिटी इज़ अ बिट लेस। चलते हैं जैसे पहुँचते हैं, अभी आगे पहले कुछ खा लें, भूख लग रही है। अभी हो रहे हैं 2:20 और गर्मी यहाँ पे काफ़ी है और साउथ गोवा आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा। आप अगर गोवा वगैरह में कभी भी आओगे तो मोस्टली लोग नॉर्थ गोवा ही जाते हैं, और इसके पहले मैं 2 बार नॉर्थ गोवा ही आ चुका हूँ, थर्ड टाइम में था प्लान की थोड़ा सा साउथ गोवा भी एक्सप्लोर करें। तो अभी लंच करने के बाद अभी ये लोग गए हुए हैं आइसक्रीम लेने के लिए, तो अब तक हम वेट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव और है अभी यहाँ पे, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे साउथ गोवा की बटरफ्लाई बीच में। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर थोड़ी देर बीच में जाएंगे, कोई आइलैंड है वैसे कहाँ, वहाँ से पालोलम बीच से एक फेरी लेके
बटरफ्लाई बीच जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि बहुत वो ब्यूटीफुल है। कहना प्यार है में जो था हुआ था शूट वो वैसा ही है बीच, तो वहाँ जाने का कर रहे हैं प्लान। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं और क्या क्या और एक्सप्लोर कर पाते हैं। गोवा इज़ नॉट ऑल अबाउट बीचेस, यहाँ पे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी हैं चीज़ें, तो वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे और आगे घूमते हैं बता दें आप। रास्ते हैं गोवा के, इसमें पहाड़ों का भी मज़ा है साथ में, अप डाउन लेफ्ट राइट दाएं बाएं राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अभी हम पहुंचने वाले हैं अराउंड 23 मिनट में एंड 9.3 किलोमीटर आउट ऑफ 89 दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। मज़ा आ रहा है करने में ड्राइव। हम पहुंचेंगे बटरफ्लाई बीच, तितलियों के बीच, मिट्टी यहाँ पे मस्त लाल लग रही है, तो इनका लिपस्टिक था नहीं अभी, तो हमने इनको कहा यू कैन यूज इट बट सी लेट यूज इट। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे लाल लाल मिट्टी, कैन बी यूज फॉर मल्टीपर्पस। 2 किलोमीटर और रास्ता जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वो देखिए खतरनाक होते जा रहे हैं। जंगल में जा रहे हैं, पेशेंट भी हैं जिनका एक कान नकली है, नकली है, तो हमें उनका ख्याल रखते हुए गाड़ी को आहिस्ते आहिस्ते लेके जाना पड़ रहा है, नहीं तो एक कान को हाथ में लेके जाना पड़ेगा बाद में। ये रास्ता है हमारे बटरफ्लाई बीच का, यहाँ से पता नहीं कौन सा रास्ता है। ये पहाड़ों के पीछे है शायद, चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये मिट्टी मेरे देश की मिट्टी, सब थक के आ रहे हैं, स्वेटिंग है ना, स्वेटिंग होती है ना यहाँ पे। वो देख, बोरा बंदर
अब दिख गया तो क्या करें। ये हम कर रहे हैं आके ट्रैकिंग गोवा में। क्या काश, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? और यहाँ से जो यहाँ से गोवा मतलब यहाँ से बीच पहुँचाने का हमसे भी चार्ज करा था 250 पर पर्सन फॉर 2 किलोमीटर्स फॉर 2 किलोमीटर्स 250 पर पर्सन। वाह, इतना काटेंगे? ठीक है, सौ बोल दो। पेट्रोल महंगा हुआ है, इतना नहीं, इतना खून से भी ज़्यादा नहीं। नहीं दिखाई, गंदी गंदी आवाज़ क्यों निकाल रहा? रास्ते छोटे होते जा रहे हैं और पथरीले भी, नीचे पत्थर 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 बहुत सारे हैं। 2 किलोमीटर के हिसाब से तो ये रोड नहीं है, उससे ज़्यादा ही लंबा है। इट्स अराउंड 30 मिनट्स दैट वी हैव वॉक्ड एंड पहुँचे हैं जाके ऑलमोस्ट बीच पे, जो कि अभी भी क्लियरली दिख नहीं रहा, बट हाँ साउंड आ रहा है। कड़ी मेहनत के बाद ही है। छोटा सा बीच है ये, अच्छा beautiful। भीगेंगे थोड़ा सा, क्या हो गया? ये हमने स्टार्ट किया यहाँ से करना बोटिंग, बोटिंग नहीं क्या बोलते हैं इसको, बोट ही है, स्पीड बोट।